टीकमगढ़ जिले के बड़गांव थाना अंतर्गत राजा ढाबा पर चाय पीने रुके ट्रक ड्राइवर पर आरोपियों ने मिर्च पाउडर डालकर 12,000 रुपए लूट लिए थे। पीड़ित व्यक्ति ने वारदात की जानकारी बड़गांव थाने में दर्ज कराई थी। टीकमगढ़ जिले के लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित बड़गांव थाने के समीप राजा ढाबा पर 3 मार्च को लगभग 1:30 पर यह हादसा हुआ था। कपूरपुर महाराजगंज जिला रायबरेली उत्तर प्रदेश निवासी राजकुमार ने शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि चाय पीने के लिए राजा ढाबा के पास रुके, तभी ढाबा संचालक माधव सिंह और उसके साथियों ने आग में मिर्च पाउडर डालकर 12,000 लूट लिए और साथ ही आरोपियों ने शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। उक्त फरियादी ने बड़गांव थाने में आकर आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत पाते ही तत्काल पुलिस ने कार्यवाही कर आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। टीकमगढ़ से मनोज खरे की रिपोर्ट। ये राजकुमार त्यागी ये कपूरपुर महाराजगंज रायबरेली का रहने वाला है। ये अपने ट्रक से केबिल लाद के ले जा रहा था दमो, ठीक है। तो वहाँ वो चाय पीने के लिए उसने ट्रक खड़ा किया, वहाँ चाय पीने गया, चाय पिया, उसके बाद 10 रुपये उसने दिए। 10 रुपये देने के बाद वो वापस ट्रक पे जाने लगा। उतने में ये दोनों आरोपी में से माधव सिंह उसके पास दौड़ के गया और बोले नहीं 10 रुपये की चाय नहीं है, 5 रुपये की चाय है तो 5 रुपये भैया आपने लेते जा। ये वापस आए 5 रुपये लेने के लिए। जैसे ही वो वहाँ ढाबे पे गया तो माधव सिंह और ये जय सिंह दोनों ने मिलके उसकी आंखों में मिर्ची झोंकी, उसको कुछ दिखाई देने नहीं लगा। उसके बाद उसके जेब में रखी हुई 12,000 रुपये और उसका मोबाइल छीन लिया। तो ये उसको धमकी भी दी, इसका गला भी पकड़ा कि तू किसी को बताएगा या रिपोर्ट करेगा और तेरे को जान से मार देंगे। इसके बाद ये वहाँ से चला, उसको दिखाई दे नहीं रहा था। जैसे तैसे अपने ट्रक में पहुँचा, ट्रक में पहुँच के थोड़ा सा दूर लेके उसने खड़ा कर दिया क्योंकि उसको दिखाई नहीं दे रहा। और वहीं उसने रात काटी और सुबह 7 बजे वो बड़ागांव थाने पर गया। उसने अपनी आपबीती बताई, वहीं उसने उसकी आँख भी धोई। हमारे टीआई साहब ने तत्काल उसको एक्शन में लेके और वो ढाबे पे जाके छापा मारा, क्योंकि वो वहाँ लोग नहीं थे। इनके सरगर्मी तलाश की गई और दोनों को पकड़ा और उनसे जो लूट की राशि है वो बरामद करी और फरियादी का जो मोबाइल जो छीना था वो भी बरामद किया। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके विरुद्ध 394-506 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। आज इनको न्यायालय में पेश करेंगे और वहाँ से हम पुलिस रिमांड भी लेंगे और उनसे और भी वारदातों के संबंध में। नहीं, इनमें किराया भी लिया दोनों वर्तमान में ढाले की मालिक। हाँ, वर्तमान में चूँकि किराया थे। हमारे पुलिस महानिरीक्षक महोदय, डीआईजी महोदय, हमारे एसपी साहब के द्वारा अभी हमारे टीकमगढ़ शहर में संपत्ति संबंधी अपराधी की धरपकड़ के लिए बकायदा अभियान चल रहा है और इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग कार्य कर रहे हैं। दिनांक 3 की रात्रि करीबन 1:30 बजे ये फरियादी जो राजकुमार त्यागी ये रायबरेली का रहने वाला है, ये अपना ट्रक दमो ले जा रहा था जिसमें केबल भरी हुई थी। एक राजा ढाबा है बड़ागांव के पास, वहाँ हमने ट्रक खड़ा करके चाय पीने के लिए उतरा और उसने चाय पिया। चाय पीने के बाद 10 रुपये उसने चुकाए वहाँ पर और जाने लगा। तो इसमें से जो दो आरोपी हैं उसमें से एक आरोपी ने कहा कि 5 रुपये की चाय है और आप 5 रुपये अपने ले जाओ। ये वापस 5 रुपये लेने वहाँ गया और जैसे ही वो ढाबे पे गया वहाँ पे उसके आँखों में मिर्ची इन दोनों आरोपियों ने ठोक दी और जिससे उसे कुछ दिखाई देने लगा। उसके बाद उसका मोबाइल और उसके 12,000 जेब में रखे हुए थे वो उन्हें ज़बरदस्ती निकाल लिए और उसको गला पकड़ के उसकी धमकी भी दिया कि किसी को रिपोर्ट किया या बताएगा तो जान से मारता गया। क्योंकि फरियादी काफ़ी घबरा गया था और उसको दिखाई भी नहीं दे रहा था तो वो अपने ट्रक पे जैसे तैसे जाकर उसने कुछ दूरी पे जाकर ट्रक खड़ा कर दिया क्योंकि उसको दिखाई नहीं दे रहा था। तो रात उसने जैसे तैसे काटी, सुबह 7 बजे बड़ागांव थाने में टीआई जो है उनको बताया, टीआई साहब ने क्योंकि ये मामला काफ़ी गंभीर था तत्काल उन्होंने एक टीम गठित करी, हमें भी बताया, वरिष्ठ अधिकारी भी बताया। तत्काल एक टीम गठित करके आरोपियों की सरगर्मी तलाश की गई और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है जिसमें एक का नाम माधव सिंह और जयहिंद सिंह परमार
एक उसमें एक नाबालिग भी है, एक 19 साल का है, दोनों 19 साल के हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे जो लूटा हुआ जो रुपया है और मोबाइल को बरामद कर लिया पुलिस ने। इनके 394,506 का अपराध पंजीबद्ध किया गया, आज इनको न्यायालय पेश किया जाएगा पुलिस रिमांड लेकर उनसे और पूछताछ। सर कौन भी हैं सर दो के अलावा साथी में? अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अभी तो फिलहाल दो का ही इसमें सामने, दोनों ही आरोपी होटल संचालक हैं। जी ने अभी दो का ही बताया कि दो के द्वारा उसकी लूट की गई, हो सकता है इसमें और भी शामिल हो, तो उसके संबंध में इन्वेस्टिगेशन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।